अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम काम करेंगे टोयोटा हाइजर 2014 मॉडल। इसमें एक मसला है, एक इशू है, जो एक लाइट है वो है ब्रेक ओवरराइड का। तो वो जब लाइट आती है तो गाड़ी स्टार्ट भी होती है, रेस भी लेती है और गियर शिफ्टिंग में मसला करती है गाड़ी। मतलब कि जब गाड़ी को हम चलाते हैं तो खुद ब खुद ब्रेक सी लग जाती है। हम आपको चेक कराते हैं कौन सी लाइट है वो। ये लाइट है जिसके ऊपर ये ब्रेक का पैडल है और एक्सीलेटर पैडल दोनों, ये लाइट है। तो जैसे ही ये ऑन होती है, गाड़ी हम चलाते हैं तो उस टाइम गाड़ी जो है ना रुक सी जाती है, चलती नहीं है। तो इसका मसला जो है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसमें जो मसला है वो है बैक वाली लाइट में, जो ब्रेक लाइट, जब हम ब्रेक वाला पेडल प्रेस करते हैं तो पीछे लाइट ऑन नहीं होती। तो इसके बल्ब चल गए थे, वो हम बल्ब रिप्लेस करेंगे। तो गाड़ी में जो मसला था वो बैक लाइट में था। अगर आपकी गाड़ी में भी कोई ब्रेक ओवरराइड का साइन आए, गाड़ी आपकी रेस ना ले, तो आपने भी सबसे पहले जाकर बैक लाइट चेक करवानी है। अगर उसके बल्ब ख़राब हों तो आपने बल्ब रिप्लेस करने हैं। जैसे ही हम गाड़ी का पैडल प्रेस करते हैं तो पीछे लाइट ऑन नहीं हो रही, तो उसकी वजह से ये एरर आएगा और गाड़ी नहीं चलेगी, रुक जाएगी, गाड़ी का गियर शिफ्ट नहीं होगा। जिसमें मसला था वो हमने हल कर दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोज़ की नई वीडियो आपको मिल सके।